हेलो गाइज, क्या होगा यदि चांद गायब हो जाए। इस ब्रह्मांड में हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे एक फोर्स लगाता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और चांद और धरती भी पार्टिकल से बने हैं, इसलिए ये भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी पृथ्वी पे टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। यदि मून डिसअपीयर हो गए तो टाइड्स नहीं आएंगे मून के कारण। ये टाइडल जोन समुद्री प्राणियों के लिए अनुकूल कंडीशन बनाते हैं, तो यदि टाइड्स नहीं होंगे तो टाइडल जोन में क्रैब्स, सी स्नेल्स और अन्य जीवों की संख्या प्रभावित होगी, और इन जीवों को जो खाते हैं और उनकी भी कमी होगी, तो उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। मून के कारण अर्थ 23.5 डिग्री एक्सिस पे झुकी हुई है। यदि मून डिसअपीयर हो गया तो इसका एक्सिस झुकाव बिगड़ जाएगा, और अर्थ के अपने एक्सिस पे टिल्ट के कारण ही सीजन बनते हैं। तो मून के गायब होने के कारण अर्थ पे मौसम में बदलाव हो जाएंगे। आपको पता होगा पेड़ों फसलों के लिए एक क्लाइमेट जरूरी होता है। यदि मून डिसअपीयर हो गया तो बहुत जगह के पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, दिन 6 से 8 घंटे तक हो जाएंगे, और पृथ्वी के घूमने की स्पीड 3-4 गुना बढ़ जाएगी, और पृथ्वी पर हवाएं 450 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलने लगेंगी। तो आसमान में चिड़िया और पक्षियों के उड़ने के लिए कोई चांस नहीं है, तो पक्षियों की लाइफ भी प्रभावित होगी। तो आपने देखा कि मून के डिसअपीयर होने के कारण सभी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, और कुछ डाटा के अनुसार पृथ्वी पर आइस एज आ जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं मून पृथ्वी से 1.5 इंच हर साल दूर जाता जा रहा है। They are been arguing since day one. आसमान में कितने तारे ये बताना थोड़ा मुश्किल है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट के डाटा के अनुसार आप पृथ्वी से नेक्ड आई से 9110 स्टार्स को देख सकते हैं। यदि भरोसा नहीं है तो आप मुझे भी गिनकर बता सकते हैं। When you miss the light day, when you open the fridge, expectation, reality. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।